खुद सैनिक स्कूल से पढ़ा हूं तो आपको सच्चाई बताऊंगा सैनिक स्कूल की, कि सैनिक स्कूल जाकर आपको पछताना क्यों पड़ सकता है। सैनिक स्कूल बुरा नहीं है पर हर किसी के लिए अच्छा भी नहीं है। खुद सैनिक स्कूल में पढ़ के मैं सक्सेसफुल हुआ हूं, पर मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लाइफ में फेल हो गए। क्या वजह थी उसकी, क्या आपका बच्चा सैनिक स्कूल के लिए सुटेबल है या नहीं, ये सब इस वीडियो में आपको समझाऊंगा मैं। इस वीडियो को देखने से पहले अपने बच्चे का प्रिपरेशन शुरू मत कराना सैनिक स्कूल का, वरना उसका समय भी वेस्ट होगा और अगर सैनिक स्कूल भेज दिया तो शायद उसकी जिंदगी भी खराब होगी। सैनिक स्कूल सबके लिए खराब नहीं है, कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए खराब है। तो जिन लोगों के लिए अच्छा है पहले उसके बारे में सौरभ सर बताएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन के लिए सैनिक स्कूल खराब है। तो आप सभी को मालूम है कि सैनिक स्कूल में जितने भी टीचर्स और प्रिंसिपल होते हैं वो एक्स मिलिट्री ऑफिसर होते हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर ये एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स अगर आपके बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं तो उनके लिए कितना अच्छा हो सकता है। प्लस आप वहां पर आपको आर्मी बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। डिसिप्लिन पूरे इंडिया का जितने भी स्कूल है आपको बेस्ट डिसिप्लिन आपको सैनिक स्कूल में सिखाया जाएगा। A to Z फिजिकल एक्टिविटीज है, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो उसकी टॉप मोस्ट आपकी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर आपको सैनिक स्कूल में कराई जाएगी। इनफैक्ट अगर मैं आपको मैथ्स के बारे में बताऊं तो आपको टॉप मोस्ट जो खाना मिलेगा हॉस्टल लाइफ में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा खाना और फैसिलिटीज आपको सैनिक स्कूल में मिलने वाली है। इसी के साथ साथ अगर आपको NDA की तैयारी करनी है तो भैया फिर तो सैनिक स्कूल के अलावा आप कोई और स्कूल सोच भी नहीं सकते, आपको पूरा फोकस अपना सैनिक स्कूल के लिए ही करना पड़ेगा। तो ओवरऑल बता दिया जाए तो ये स्कूल बेस्ट है, मतलब इसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है और सैनिक स्कूल की फैसिलिटीज या सैनिक स्कूल की किसी भी चीज में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। यह क्वेश्चन मार्क किसी और चीज के लिए है कि क्या आप सैनिक स्कूल में फिट बैठते हैं। हो सकता है दो चीजें बहुत अच्छी हैं लेकिन एक चीज क्या दूसरी चीज में फिट बैठती है, वो क्यों नहीं फिट बैठती है, ये अभी आपको सर बताएंगे। मैं आप लोगों को तीन मेजर रीजंस बताऊंगा कि सैनिक स्कूल में जाके आप फर्स्ट क्यों सकते हैं, उसमें से जो आखिरी रीजन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन तो ये है कि यू विल नॉट गेट TC इजिली, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको इजिली नहीं मिलेगा। इसका बेसिक रीजन समझिए, सैनिक स्कूल में एडमिशन क्लास 6 और क्लास 9 में ही होता है, यानी कि हर क्लास में बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते। तो अगर आप बीच में टीसी ले लेते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि सैनिक स्कूल की सीट खाली रह जाती है, और क्योंकि सैनिक स्कूल को सैनिक स्कूल सोसाइटी चलाती है और सैनिक स्कूल सोसाइटी डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है तो उन्हें रिपोर्ट देना पड़ता है मिनिस्ट्री को कि भाई साहब सैनिक स्कूल बच्चे क्यों छोड़ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको डराएंगे, आप पे नखरे करेंगे कि आप टीसी ना लो। लेकिन अगर मान लो आपने जिद कर लिया है और आप फाइनली टीसी ले लेते हो तो आपका नुकसान होगा सेकेंड पॉइंट में, स्कॉलरशिप हैज टू बी रिटर्न्ड। ये मेरे साथ हुआ था जब मैंने सैनिक स्कूल छोड़ा था 12th से पहले। जब मैंने 10th के बाद सैनिक स्कूल छोड़ा तो मुझे 2 लाख रुपीज रिटर्न करना पड़ा था जो मुझे स्कॉलरशिप मिला था क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक में। ये मुझे क्यों करना पड़ गया, क्योंकि सैनिक स्कूल में एक रूल है कि अगर आप 12th से पहले सैनिक स्कूल छोड़ते हैं यानी कि आप एक सीट बर्बाद कर रहे हैं तो सरकार को आपको वापस करने पड़ते हैं वो पैसे जो सरकार ने आपको स्कॉलरशिप के तरीके से दिए थे। तो मैं पहली बात तो आपको ये बोल दूं, सैनिक स्कूल आप मत जाइए अगर आपका गोल NDA जाना नहीं है तो, क्योंकि अगर आपका NDA जाने का गोल है तो आप 12th तक वहां पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप IIT करना चाहते हैं, NEET करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डेफिनेट सी बात है कोचिंग करने के लिए आप 10th के बाद सैनिक स्कूल छोड़ना चाहेंगे और वहां पर आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपको 2-3-4 लाख रुपए का स्कॉलरशिप रिटर्न करना पड़ सकता है, साथ ही साथ में TC आपको आसानी से नहीं मिलेगी। पर इन सब से भी ज्यादा जो खतरनाक बात है वो तीसरा पॉइंट है, एडेप्टेशन इज टफ, बहुत ज्यादा टफ है सैनिक स्कूल में एडेप्टेशन। इसका रीजन बताता हूं, सैनिक स्कूल आम बच्चों के लिए नहीं है। सैनिक स्कूल स्टार्टिंग में बना था आर्मी के जो ऑफिसर्स थे उनके बच्चों के लिए, बाद में सिविलियंस के लिए ओपन कर दिया गया और आज के टाइम पे गर्ल्स के लिए भी ओपन है। लेकिन आप समझिए, सैनिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो सिर्फ हॉस्टल लाइफ प्रोवाइड नहीं करता है, वो आपको आर्मी लाइफ देता है और आर्मी लाइफ बहुत टफ है, कई बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। आप क्लास 6 में अपने बच्चे को सैनिक स्कूल या कि हॉस्टल में भेज रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आपका बच्चा आपको याद करके रोएगा, वहां पर पनिशमेंट इतनी मिलेगी। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसे महाराजा पोजीशन कहते हैं। ये मैं करता था और मेरे आंसू निकल जाते थे क्योंकि इट इज वेरी पेनफुल यहाँ हेड पे, क्योंकि पूरा प्रेशर बनता है। वहां ऐसे ऐसे पनिशमेंट देते हैं कि बच्चा रो रो के, मैंने रोया है, मैं सैनिक स्कूल में था, मैं 3-4 साल रोया हूं वहां पर, क्लास 8 तक रोया हूं मैं कि भाई साहब कहां फंस गया मैं। लेकिन अगर आप एडॉप्टेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, सैनिक स्कूल बेस्ट है। सैनिक स्कूल से अच्छा स्कूल पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगा अगर आप एडॉप्टेशन कर सकते हैं तो आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना है कि क्या आपका बच्चा अडॉप्ट कर पाएगा कि नहीं। अगर नहीं कर पाएगा तो सैनिक स्कूल जाके पछताएगा। सौरभ सर कुछ बताना चाहेंगे? सोना जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है।
सुरेश सर ने बताया कि कितना हार्ड है सैनिक स्कूल में अडॉप्ट करना। कई बच्चों के लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये चीजें बढ़ रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के अंदर गुस्सा, इरिटेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो उनको ये सारी चीजें, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बिना किसी गलती के भी आपको कई बार पनिशमेंट मिल गई, ऐसा एक आध बार हो सकता है। उस समय अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन एंगर बढ़ रहा है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए। लेकिन लेकिन कहते हैं ना कि एक लोहा को जितना ज्यादा आप तपाओगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर ताकत बढ़ेगी। उसी तरीके से अगर आपके अंदर एबिलिटी है ये सब चीजों को ओवरकम करने की, अगर आप ये सब चीज को एडेप्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए सैनिक स्कूल से बेस्ट स्कूल पूरे इंडिया में नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैं आपको ये भी कहूंगा कि अगर आप नवोदय भी जाना चाहते हैं, नवोदय या कोई भी स्कूल, तो आप सैनिक स्कूल की तैयारी जरूर करें, क्योंकि ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है पूरे इंडिया की, जिसमें 2% से भी कम का सिलेक्शन रेट है। तो आप सोचिए, अगर क्लास 5th के बाद 6th के लिए अगर आपका बच्चा अगर सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहा है, सैनिक स्कूल की एग्जाम दे रहा है, तो वो कितने सारे चीज को एक्सपीरियंस करेगा। और इसी के लिए अब मैं आपको चाहता हूं कि आप कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों का सैनिक स्कूल की तैयारी कराएं, भले हमसे कराएं चाहे किसी से भी आप कराएं, आप सैनिक स्कूल की तैयारी अपने बच्चों को जरूर कराएं, है ना। अगर उनका एडेप्टेशन नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा एडेप्ट नहीं कर पाएगा, तो आप उन्हें जबरदस्ती ना करें सैनिक स्कूल में जाने की, लेकिन आप तैयारी कराएं। और अगर आप हमसे सैनिक स्कूल की तैयारी कराना चाहते हैं, तो आप फौजी बैच को जरूर एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं, जिसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी इस नंबर पर कॉल करने के बाद। यहां पर जो नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी डिटेल यहां पर ले सकते हो पूरे बैच के बारे में, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी हुई है ऐप की, वो डाउनलोड करके आप डेमो लेक्चर्स चेक कर सकते हैं। इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एडुमेंशन सैनिक एंड नवोदय की वीडियोस। जय हिंद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।